हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे इंकवेल विजेट को आपको यूज करना है, कहां पे यूज करना है और किस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर विजेट को समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है। अब इंकवेल विजेट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ कि वो प्रॉब्लम आती है और उसको किस तरीके से हम इंकवेल विजेट की हेल्प से रिजोल्व कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमको किसी एक ऐसे विजिट के ऊपर क्लिक लगाना है जहां पे बाय डिफॉल्ट ऑन टैप फंक्शन हमको नहीं मिलता। नॉर्मली आपको ऑन टैप फंक्शन जो है वो सारे बटन पे मिलता, जैसे कि हमने बटन वाली क्लास में देखा था, एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन, आउटलाइन बटन। तो ये सारे बटन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक ऑन टैप फंक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इस पर जब भी यूजर टैप करेगा तो आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें लिख सकते हैं, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर आप जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो तब और तब एग्जीक्यूट होंगे जब यूजर उस पर्टिकुलर बटन पे टैप करेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने इमेज व्यू के ऊपर क्लिक लगाना चाहता हूं, मतलब कि इमेज जहां पे मैंने शो कर रखी है उस इमेज पे मेरे को क्लिक लगाना है, या सपोज करते हैं कोई भी एक्स वाई जेड विजिट है, एनीथिंग, एनी विजिट, कोई भी विजिट जिसके ऊपर मेरे को टैप पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो वो मैं नॉर्मली नहीं परफॉर्म करवा पाऊंगा क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट ऑन टैप का फंक्शन जो होता है, ऑन टैप एट्रीब्यूट जो होता है वो हमको नहीं मिलता है। तो अब हम चाहते हैं कि यार कोई भी एक्स वाई जेड विजिट हो, कोई सा भी विजिट हो, उसके ऊपर टैप के ऊपर कोई सर्टेन एक्शन मेरे को परफॉर्म करवाना है, तो उस केस में हम इंकवेल विजिट को यूज करेंगे। वी नीड टू बाइंड दैट विजिट इन द इंकवेल। इंकवेल एक विजिट है जिसके अंदर आपको एक चाइल्ड का ऑप्शन मिलेगा, चाइल्ड का एट्रीब्यूट मिलेगा और एक ऑन टैप का ऑप्शन मिलेगा, ऑन टैप एट्रीब्यूट का मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जैसे ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन डबल टैप, ऑन टैप डाउन, ऑन टैप कैंसिल, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमको मेनली जो ज्यादातर यूज में आएगा वो आएगा ऑन टैप या ऑन लॉन्ग प्रेस। ठीक है, तो ये जो दो एट्रीब्यूट है ये आपको बाय डिफॉल्ट इंकवेल विजिट में मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या रहेगा कि इंकवेल विजिट के अंदर चाइल्ड के अंदर आपको वो विजिट लेना है जिसके टैप के ऊपर आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, और उस विजिट के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आपको कहां लिखना पड़ेगा, उस इंकवेल के ऑन टैप वाले एट्रीब्यूट के अंदर। तो ऑन टैप एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हो इंकवेल के अंदर और अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहां प्लेस कर सकते हो, सो दैट रन टाइम पे उस पर्टिकुलर विजिट पे जब भी टैप हो तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप वीएस कोड को यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंप्लीमेंटेशन इज द सेम, द डिफरेंस इज द ओनली आईडी। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे कर रहा हूं, आप सेम चीज वीएस कोड में कर सकते हैं। अपनी लिब फोल्डर के अंदर जो भी डार्ट फाइल के अंदर आपने अपना काम करना है वो आप काम कर सकते हैं सेम जैसा कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कर रहा हूं, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है आईडी का। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहां मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एंड्रॉइड जो बेसिक प्रोजेक्ट है फ्लटर का वो मैंने क्रिएट कर लिया, और अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपको एक काउंटर वाली एप्लीकेशन मिलती है, मतलब काउंटर वाला रिडंडेंट कोड मिलता है जो कि मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमको क्या समझना है, अपन को समझना है कि इंकवेल विजिट क्या होता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। इससे आपको पता लगेगा कि इंकवेल का यूज क्या है। जैसा कि अभी अपन ने थ्योरेटिकली चीजों को समझा है, उसी सारी थ्योरेटिकल चीजों को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। जैसे कि सपोज करते हैं यहां पे जब हम बात करते हैं किसी भी कंटेनर की, तो मैं यहां कंटेनर ले लेता हूं। ठीक है, कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर मैं एक चाइल्ड ले लेता हूं, चाइल्ड के अंदर मैं बना देता हूं एक एलिवेटेड बटन। ठीक है, ये हमारा एलिवेटेड बटन आ गया और इसके अंदर हमको क्या लेना है, एक चाइल्ड लेना है। चाइल्ड में मैं यहां पे ले लेता हूं टेक्स्ट क्लिक। ठीक है, और इसमें एक फंक्शन होता है ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस पे आपको जो भी काम करना है, ऑन लॉन्ग प्रेस पे भी कर सकते हो। ठीक है, ऑन प्रेस पे जो भी काम करना है वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो अब जब मैं इस बटन पे टैप करूंगा, मैं यहाँ पे एक बार के लिए क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ लिखोगे जब इस बटन पे टैप होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि देखो बटन में ये चीज़ मिलती है बाकी किसी विजिट में नहीं मिलेगी, तो वो जो बाकी विजिट्स हैं और उनके ऊपर अगर आपको क्लिक लगाना है तो उस केस में हम ऐसा ऑन टैप या ऑन प्रेस्ड वाला फीचर कैसे अनेबल कर सकते हैं, तो वही स्पेशलिटी है हमारे इंकवेल विजिट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्लिक्ड ऑन बटन। ठीक है, सिंपल सा हम इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं और यहाँ मैं खोल लेता हूँ रन, जहाँ पे हमको दिखेगा यहाँ पे आ चुका है बटन। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा नीचे आ गया है क्लिक डाउन बटन। तो इस पर टैप वाला फंक्शनलिटी जो है वो चल रहा है और आप देख सकते हैं कि जब जितनी बार भी मैंने क्लिक किया है जो भी कोड मैंने यहाँ लिखा है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है,
अब ये तो बात हुई बटन की, बटन में तो ये चीज मिल जाती है। अगर बटन पे हमको ये काम करना है तो बटन वाला तो इजी है, हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था बटन वाली क्लास के अंदर के बटन के क्या ऑप्शंस होते हैं, उनके ऊपर क्लिक पे कैसे परफॉर्म करना है। बट आज ये सेम फीचर मैं चाहता हूं कि बटन नहीं कोई एक और ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मेरे को करवाना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, अभी हम सिर्फ इसको हटा देते हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंटेनर को रखते हैं। तो बाकी सब मैंने यहाँ पे हटा दिया है, इस चाइल्ड को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इस चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज करते हैं चाइल्ड लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ विड्थ और हाइट ले लेता हूँ, विड्थ हाइट, इसको हम सेंटर पे ले आते हैं सो दैट विजिबिलिटी अच्छे से हो आपको। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कलर दे देते हैं इसको, ठीक है। तो ये बॉक्स आ गया, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक पे कुछ भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर सपोज करो मेरे को इस कंटेनर पे कुछ क्लिक पे काम करवाना है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि हर जगह हम बटन को यूज करें, हमको इमेज के ऊपर क्लिक लगाना है, हमको कोई भी आइकन के ऊपर एक क्लिक लगाना है, हमको कोई भी विजिट के ऊपर क्लिक लगाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंकवेल का यूज करेंगे। और कैसे करना है ध्यान से देखना, आपको जिस भी पर्टिकुलर विजिट के ऊपर क्लिक लगाना है उस विजिट को रैप करना है विथ अनदर विजिट नोन एज इंकवेल, ठीक है। अब इंकवेल आ गया, इंकवेल का चाइल्ड जो है वो हमारा कंटेनर बन चुका है। अब इसमें आपको फंक्शंस मिल जाएंगे ऑन टैप, ये रहा आपका ऑन टैप, और अगर आपको ऑन डबल टैप भी है ऑन लॉन्ग प्रेस भी है तो दोनों चीजें कर लेते हैं, ऑन डबल टैप, ठीक है। यहां पे मैं सिंपल सा कर देता हूं प्रिंट टैप्ड ऑन कंटेनर, ठीक है। और ऐसे ही हम लॉन्ग प्रेस और डबल टैप में भी कर देते हैं लॉन्ग। देखो यहां मैं प्रिंट कर रहा हूं, आप कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहां एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जो भी ऑन टैप पे आपको करवाना है, यानी कि जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है, एक्शन इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो आप उस पर्टिकुलर टैप पे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मेंशन कर देंगे, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंड फिर से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं डबल टैप ऑन कंटेनर। तो अब इसको रन करते हैं, रन हो चुका है और यहाँ पे मैं रन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो चीज़ बटन पे हो रही थी वो सेम चीज़ कहाँ होगी, हमारे कंटेनर के ऊपर। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आ गया टैप ऑन कंटेनर, तो अब ये भी क्लिकेबल बन चुका है। मैं इस पर डबल टैप करता हूँ तो ये आ गया डबल टैप ऑन कंटेनर, और इसमें लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये आ गया हमारा लॉन्ग प्रेस कंटेनर। मतलब कि क्या हुआ कि मैं कोई भी अदर विजिट के ऊपर अगर मेरे को क्लिक परफॉर्म करना है, मतलब उसके क्लिक के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो उन बाकी विजिट्स में मेरे को ऑन टैप नहीं मिलता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंकवेल विजिट हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर विजिट को जिसके ऊपर हमको क्लिक परफॉर्म करना है उसको अपन रैप कर सकते हैं अनदर विजिट जिसका नाम है इंकवेल, और उसके बाद में इंकवेल हमको ये प्रॉपर्टीज देता है, अपन को ऑप्शन देता है ऑन टैप का, लॉन्ग प्रेस का और डबल टैप का। तो ये सारी चीजें आप परफॉर्म करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर विजिट के ऊपर। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमको टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक लगाना है, जैसे कि नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर क्लिक लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम एक चाइल्ड लेते हैं और चाइल्ड पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं क्लिक हेयर, ठीक है। और मैं स्टाइल दे देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्लिकेबल का ऑप्शन भी होना चाहिए कि इतना क्लियर होना चाहिए कि यूजर अच्छे से उस पर टैप कर सके, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू की जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ बाय आर गिविंग टेक्स्ट स्टाइल, तो टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं अपन यहाँ पे, और इसमें अपन दे देते हैं फॉन्ट साइज, इसको हम कर देते हैं 21, एंड फॉन्ट वेट भी दे देते हैं 7, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट हो गया, अब इसके ऊपर क्लिक लगाना है, अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कहाँ आ रहा है हमारा टेक्स्ट, तो यहाँ पे आ रहा है, इसको सेंटर में लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रैप कर सकते हैं सेंटर से, तो ये अभी आ गया सेंटर में, ठीक है। अब इस पर क्लिक हो रहा है, कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो टैप डाउन कंटेनर आ गया, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर आ रहा है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कंटेनर का ही क्लिक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट ट्यूब पे कुछ अलग क्लिक हो, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को किसके साथ रैप करना पड़ेगा, रैप विद द विजिट इंकवेल, ठीक है। हमारा विजिट आ चुका है, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ सो दैट इजीली विजिबल हो आपको कि सेंटर के अंदर इंकवेल है, इंकवेल का एक चाइल्ड है टेक्स्ट और उसके अंदर टेक्स्ट आ चुका है, और इंकवेल के अंदर एट्रीब्यूट मिलता है ऑन टैप, ठीक है। तो हम इस पर
अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी मेरे को काम करना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के क्लिक पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट टेक्स्ट विजिट टैप्ड, ठीक है। तब इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे मैं रन खोल लेता हूँ, रन टैब, और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया टेक्स्ट विजिट टैब्ड। अगर मैं कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो आएगा टैब्ड ऑन कंटेनर, लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट विजिट टैब। ये कैसे आया कि मैंने फिर से एक इंकवेल को यूज किया, किसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको जहां पे भी रिक्वायर्ड है अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, यू कैन यूज द इंकवेल विजिट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।